हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। बिग बॉस के घर में आए दिन कोई ना कोई ड्रामा देखने को मिलता ही रहता है। हाल ही में बिग बॉस के घर में रोहित शेट्टी, दो पुराने दोस्त यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज के बीच के मतभेद को दूर करने का प्रयास करते नजर आए। इस दौरान रोहित शेट्टी सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज से बैठकर बात करते हैं। रोहित सिद्धार्थ से कहते हैं कि वो इतनी जल्दी क्यों गुस्सा हो जाते हैं। रोहित दोनों को उनकी दोस्ती याद दिलाते हैं। इसके अलावा बीते एपिसोड में सिद्धार्थ रोते हुए भी दिखाई देते हैं, लेकिन सिड का ये रोना लोगों को पच नहीं रहा है और उन्होंने सिद्धार्थ को ट्रोल कर डाला है। चलिए दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ ट्वीट्स। सिद्धार्थ शुक्ला, रोने से क्या गुनाह छुप जाएगा? Why the hell no one asks Shukla to do any work? This guy just sleep all the time. Why nobody has the guts to speak against him? इतना क्या डरते हैं लोग इससे? पूरे दिन पड़ा रहता है भालू की तरह। I have literally never seen him doing any work in the house. अपने पागल दामाद शुक्ला और लाडली शहनाज को बोलो ड्यूटी करे बाथरूम की। आसिम रियाज, तुम लोगों का नौकर नहीं है जो हर बार आसिम को थ्रेटन और बुली करते हैं। शुक्ला, शहनाज और पारस। तो देखा आपने, सिद्धार्थ को शो में रोना और आसिम से पंगा लेना काफी भारी पड़ गया है। बता दें कि हाल ही में काम को लेकर सिड और आसिम के बीच जबरदस्त लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर दोनों को लेकर बवाल मच गया था। वैसे आपको क्या लगता है, सिद्धार्थ और आसिम में से कौन ठीक है और कौन गलत? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।